असलकुम वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप कैसे हैं जी आप सब लोग आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे अलहद हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी ये सुबह का टाइम है और आज मैं सुबह ही सुबह स्टार्ट हो गई थी काम करने पता है क्यों क्योंकि आज ईद मिलादनबी भी था और मैंने ख़त्म भी देना था मैंने सोचा था कि मैं चनों वाले चावल बनाऊंगी और हमारे घर मिस्त्री मजदूर आपको ऑलरेडी पता लगे हुए हैं तो वो भी काम सारे मुकाने वाले थे और बस भागम दौड़ी लगी हुई थी अब ये तकरीबन सात आठ के दस कप हैं ये जनाब जो है ना चाय देनी थी मैंने तो मेरा जो हेल्पर हैं दोनों वो एक दूध उबाल रहा था एक बर्तन धो रही थी और मुझे इसने बोला कि आप फटाफट आपकी चाय बना दें तो मैं चाय दे दूँ ना ताकि फारिग हो जाए तो बस मैंने यहाँ पर चाय बनाई और अब मैं इनके कप भर भर के दे रही हूँ सारों को चाहे क्योंकि आज मैंने सोचा हुआ था वैसे तो ये खाना वगैरह जो है ना बाहर से खाते हैं क्योंकि इनसे ठेका है हमारा तो लेकिन आज मैंने इन्हें बोला कि आज ख़त्म दे रही हूँ मैं तो आप लोगों ने घर खाना है तो जब ये ज़्यादा पंद्रह बीस बंदे हो जाए ना फिर तो बाहर खा लेते हैं अगर सात आठ या चार पाँच बंदे लगे हुए हो ना तो फिर ये घर में ही मैं बना लेती हूँ इनका तो बन जाता है इतना तो हो ही जाता है घर के अंदर ना तो जी बस उसके बाद मैंने इनको चाय दी और चाय के तो ये इतने शौकीन होते हैं ना बस कहते हैं चाय दिए जाओ और काम कराई जाओ तो मैंने अपने हेल्पर से बोला मैंने ड्राइवर है जो मेरा मैंने कहा फटाफट इनको दे दो और मेरा बेटा मुझे जनाब आज फरमाइश कर बैठा कि मामा आज मुझे ना सैंडविच बना दें नहीं पहले इसने बोला कि मामा मुझे आलू वाला पराठा बना दें मैंने कहा अच्छा जब मैं बनाने लगी हूँ ये आलू शालू मिक्स कर रही थी तो उसने ना मामा आप ऐसा करें मुझे सैंडविच बना दें अच्छा जिस दिन काम ज्यादा हो ना उस दिन बच्चों की भी फरमाइशें बड़ी शुरू हो जाती हैं लेकिन चलो मैंने कहा ठीक है उसने बड़े अरसे बाद मुझे कहा कि मामा मुझे ना आ, बना दो आप सैंडविच तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ तो जी ये फिर मैंने आलू जो है ना आज दो तीन ही आलू पड़े हुए थे ज्यादा थे कोई नहीं बस दो आलूओं को मैंने बॉयल किया और उसमें ये सूखा धनिया अनारदाना सफेद जीरा और नमक मिर्च प्याज हरा धनिया हरी मिर्चें ये काट के जनाब मैंने एक मिक्सचर बना लिया मजे का टेस्टी सा आलू के पराठे वाला ही मिक्सचर है तो जी उसको जनाब मैंने जो है ना मिक्स करने के बाद तो ब्रेड के ऊपर लगा कर अच्छी तरह से और एक दो अंडे मैंने आ, आ, निकाल लिए थे फ्रिज से और उनको जो है ना मैंने अच्छी तरह बीट करने के बाद उसमें तो, थोड़ा सा नमक डाल दिया था तो मैंने जो है ना सैंडविच बनाया उसके लिए और इतने मज़े का सैंडविच होता है ना इसकी भी एक मज़े की कहानी है कि हम ना जब आ, मेरे बच्चे जब छोटे थे ना तो मैं ये इतने शौक से खाती थी मेरे बहन भाई भी जब भी सारे किसी ने किसी ने भी आना ना हमने शाम की चाय के साथ ये ज़रूर खाने होते थे आप यकीन करें ये आलू और ऊपर से ब्रेड और ऊपर तीसरा अंडा तीन चीज़ें हो गई ना तो इतने मोटे हो गए थे हम जो मैं आपको क्या बताऊं हम तो कहते थे कि बस अब नहीं खाने वो दिन आज का दिन हमने ये सैंडविच वगैरह कभी नहीं खाए तो जनाब आप जो है ना लेकिन मेरे बेटे को आज दिल कर रहा था खाने का तो मैंने कहा मैं सोच मना देती हूँ लेकिन मैंने देख लें फिर भी कोई नहीं खाया मैंने कहा नहीं भी मैं मोटी ज़्यादा हो जाऊँगी तो जनाब यहाँ पे मैं अपने लिए एक कप चाय बना रही हूँ क्योंकि जो जो मिस्त्रियों की चाय गई है ना वो तो ऐसे समझ ले खड़ी चम्मच वाली चाय थी इतनी चीनी होती है उसमें मीठी ट्रीट चाय पीते हैं तो मैं चाय वगैरह ना मीठी नहीं पी सकती तो मैंने अपने लिए लहदा से कप बनाया और फिर मेरी आज तो ना घन चक्कर बनी हुई थी बाहर मेरे हस्बैंड ने बुला लिया मुझे कि बाहर देखो ये सारा हो रहा है तो कैसे करवाना है तो ये इन्हें मैंने बोला कि आप थोड़ा थोड़ा जो साइड है जहाँ पर दरख्त वगैरह लगे हुए हैं तो उसको जो है ना आप ऐसे ही रहने दें तो बाकी टफ टाइल लगवा दें अभी मैं अंदर आई थी तो ऊपर से आवाज़ आ गई कि आप ही ऊपर आए वो अलमारी बननी है तो उसको ना ज़रा डिज़ाइन कर जाएँ क्योंकि मैंने कहा था कि मैं खुद डिज़ाइन करूँगी और आपने खुद नहीं बनानी है तो मैंने इनको ना कॉपी पे थोड़ा सा डिज़ाइन शिजाइन बना के दिया कि किस तरह की अलमारी मुझे चाहिए तो क्योंकि वैसे तो ये लोग बनाते रहते हैं लेकिन जिस तरह से अपने आप को चाहिए हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है ना मैंने वो अलमारी बनवाई है ऊपर गई तो यकीन करें आज मैं बड़ी थक गई थी ऊपर नीचे ऊपर नीचे चक्कर ही लग रहे थे अब वो मुझे सारा नीचे शेचे बता रहा है कि भाई कितनी आपने बनवानी है तो मैं उसे बता रही थी कि न, किस तरह का जो है ना मुझे अलमारी के अंदर का सेटअप चाहिए और कितनी आपने ऊपर जो हैंगिंग वाली कितनी रखनी है और ड्रावर के बाद जो ये शूज़ वगैरह के खाने और पर्स बैग के खाने वो आपने कैसे वो बॉक्सेस कैसे बनाने है। वो सारे खाने माने जो है ना आपने किस तरीके से सेट करने तो वो सारा मैं बता रही थी और दूसरी साइड पे जो है ना टीवी ट्रॉली का था मुझे कि वो भी मैं सामने बनवा लूँ तो जब अब ये सारी ये जितने भी ऊपर इनको चाहिए थे चीज़ें चीज़ें ये वो लेकर जा रहे हैं और मैंने सोचा कि अब क्योंकि जब मिस्त्री मजदूर ऊपर जा रहे हो ना तो यकीन करें अब ज़ाहिर ओपन घर होता है लिविंग वगैरह सब कुछ तो बड़ी घबराहट होती है तो मैंने कहा चलो ये चैलेंज है तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ ये जी अलमारी के खाने शाने बने हैं ये सारे इस तरीके का ना सेटअप अंदर का इसका आ, इस अलमारी का बना है तो जी उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं फटाफट ख़त्म की तैयारी करूँ क्योंकि ऑलरेडी दो बच चुके थे एक साइड पे जो है ना ये मेरे देसी घी निकल रहा था और वो मैंने अभी आप आ, सोचा पहले आप लोगों को रेसिपी देती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ लेकिन फिर मैंने कहा नहीं टाइम कम है तो मैं फटाफट जो है ना चनों वाला चावल बना लूँ क्योंकि मैंने अपने सारे ये जो मिस्त्री थे इनको बोल दिया था कि आपने खाना घर खाना है तो बाहर ना खाना तो दो आगे बच चुके थे और मैंने इसलिए भी मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मैं मैंने मुझे था कि ढाई या पौने तीन तक बन जाएंगे ये क्योंकि चने वग़ैरह आपको पता ही है मैंने आपको पहले एक अपने ब्लॉग में बताया कि मैं बॉईल करके रखती हूँ तो मुझे था कि गलानी गलूनी तो कोई चीज़ है नहीं बस चावल ही बनाने हैं तो गर्म गर्म खाए जाएँ तो ज़्यादा मज़े के लगेंगे तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ टेस्टी से मज़ेदार से चावल चनों वाले अच्छा ना मैं आप लोगों को छोटी सी एक टिप देती हूँ जब आप चनों वाले चावल बना रहे हो ना तो जब प्याज ब्राउन हो जाए ना तो इसमें ना थोड़ा सा पानी डालकर ना तो नमक डाल दें और साबुत गर्म मसाला डाल दें और इसको दो तीन मिनट के लिए ना बॉयल आने दें यकीन करें इतने मज़े के खुशबूदार चावल बनते हैं ना बाद में जो मर्जी डालें मैंने सुरख मिर्चें भी डाली थी मैंने लहसुन अदर की पेस्ट भी डाली थी टमाटर हरी मिर्चें भी ग्राइंड करके डाली थी और मैंने और क्या डाला था हाँ हल्दी डाली थी और उसके बाद जो बॉयल हुए हुए चने थे ना मैंने वो डाल दिए थे बहुत मिनट लगा था और फटाफट चावल बन गए थे क्योंकि पानी बॉयल हुआ चने आ गए ही बॉयल थे और बस चावल डाले और मेरा ख्याल है दस या पंद्रह मिनट में चावल मेरे तैयार हो गए थे अच्छा ना मैं आप लोगों को एक वाक्य सुनाती हूँ अपने बचपन का जब हम छोटे होते थे ना तो बारह आना ना तो हमारी अम्मी ने ना हम सारे बहन हम माशाला पाँच बहन भाई हैं अम्मी ने हम सबको बैठा देना एक एक तस्वीर देकर और उन्होंने कहना कि दूरूश पढ़ो और मैंने ख़त्म देना है शाम को तो जब तुम लोग जोशिफ़ पढ़ोगे ना तो अल्लाह मियाँ बड़े खुश होंगे और ये दुरूश जो है ना वो हजूर पा के पास जाएगा तो हमने इतने खुश होना और हमने तेज तेज़ पढ़ना ज्यादा ज्यादा पढ़ना कि अल्लाह ताली बड़े खुश होंगे ना तो आज मैं सोच रही थी कि कितने अच्छे वक्त होते हैं ना जब सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं और जब शादियाँ हो जाती हैं ना तो सब मेहमान बन जाते हैं सब फिर मेहमानों की तरह आते हैं <laughs> तो बस यही होता है कि जब हम सारे इकट्ठे होते हैं ना तो वो एक अलहदा ही दिन होते हैं मज़े के तो बस ये चावल मेरे बन गए यहाँ पर और मैंने इन सारों को सर्व दे दिए थे सर्व कर दिए थे और उसके बाद सबसे पहले मैंने ख़त्म के चावल निकाल लिए थे ख़त्म जब मैंने देना था तो वो मैंने निकाल के केलहदा से रख लिए थे तो आज मैंने फिर जब दे दिए इनको चावल शावल तो मैं फिर शावर लेने चली गई और आकर ना मैंने नमाज़ पढ़ी जोहर की और उसके फ़ौर बाद मैंने ख़त्म दे दिया और फिर मैंने जो है ना पहले दूशिफ़ पढ़ा मुझे वो सारा वक्त याद आ गया कि जब हम पढ़ा करते थे अम्मी के पास ना तो मैंने दूशफ़ पढ़ा और दुलदताज पढ़ा और आज के दिन हमारे हजूर पाक सल सल्ला वसम पैदा हुए थे बारा रबी लवल का दिन था बहुत पुरूर और पुर रौनक दिन था मुझे बहुत सुकून मिला ख़त्म दे कर और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तौफीक दी कि मैं किसी को कुछ खिला सकी पका कर ख़ुद अपने हाथों से यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और बहुत और पुरनूर दिन था आज तो जी ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें ओके जी अल्लाह हाफिज़ 对。